क्रमांक 9 प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सूबे के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए अस्थाई शिक्षकों की भांति समान वेतन मान दे। सभापति महोदय, भारत का संविधान भी यह कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन। महोदय, आप आसन पर थे और इसी सदन में हमने समान काम पर समान वेतन के प्रश्न उठाए थे। महोदय, माननीय मंत्री ने कहा था कि अभी पटना उच्च न्यायालय में लंबित है और जब पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आएगा तो राज्य सरकार इसको लागू करेगी। मैंने उस दिन भी कहा था महोदय कि जब उच्चतम न्यायालय ने कोई अपना न्याय निर्णय दे चुका है वो और बाइंडिंग किया है देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को उसके अधिकार को, और उसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का जजमेंट दिया है, फैसला दिया है। महोदय, अभी जानकारी मिली है, आज अखबार में देख रहे थे कि प्रधान सचिव लोटा पगहा लेके दिल्ली गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए। महोदय, हम दो तीन सवाल रखना चाहते हैं। एक कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति पर गई कि आप उच्च न्यायालय के बाद आप उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। महोदय, और शिक्षा विभाग का काम सिर्फ केस लड़ना नहीं है। महोदय, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक शिक्षा विभाग जितने केस शिक्षा शिक्षकों के खिलाफ विद्यालयों और महाविद्यालयों के खिलाफ लड़े हैं उसमें 99% केस हारे हैं, चाहे वह उच्च शिक्षा का मामला हो, प्राइमरी शिक्षा का हो, सेकेंडरी का हो, अनौपचारिक का हो, मदरसा का हो, संस्कृत का हो, बुनियादी विद्यालय को 99% केस हारे हैं सिर्फ राज्य सरकार के खजाने से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को पैसा भुगतान करना और नौकरशाहों को टीएडीए बनाना, यहां से जाके दिल्ली तक प्लेन से घूमना और फिर केस हार के आ जाना। आपको एक हम उदाहरण देना चाहते हैं महोदय, जब न्यूली 36 कॉलेज के कोभर हुआ, जो 42 कॉलेज बाद में हुआ अंगीभूत, 85 में हुए थे, 86 में, उसमें भी राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, इतना आदमी को तनख्वाह कहां से दिया जाएगा, ये ठीक नहीं है, इनका मुंह ठीक नहीं, उनका कान ठीक नहीं, उनका पैर ठीक नहीं, उनका बटन ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में गए, 19 केस राज्य सरकार ने किया, 19 केस हारे, सुप्रीम कोर्ट में 3 कमीशन बहाल हुए और तीनों कमीशन से हार गए। एक एक आदमी को 13-13 लाख एरियर, 13 लाख से लेके 29 लाख के बीच में आपने एरियर दिया। शिक्षक काम भी नहीं कर पाए, केस लड़ते रहे और आप पुराना एरियर भी दिए, काम भी नहीं लिए। हमारा शिक्षक शिक्षा भी सफर किया, हमारे विद्यार्थी भी सफर किए, उनको पैसा भी दिया और नौकरशाहों को आपने घूमने का अवसर दिया, टीएडीए कमाने का अवसर दिया। वकीलों को एक मूल्यांकन हो जाना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में कितना पैसा खर्च हुआ केस पर वकीलों को पेमेंट करने में, कितना पैसा खर्च हुआ टीएडीए में, कितना पैसा खर्च हुआ प्लेन और ट्रेन से आने जाने में, भाड़ा में। महोदय, जब इस सदन के पास आ जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कभी कभी आदेश क्या कर देते हैं कि जो लोटा लेके पैखाना जाएगा उसका फोटो खींच के लाइए। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार के कौन ऐसे बड़ा पदाधिकारी है, कौन ऐसे राज्य नेता है जो अब शिक्षकों के और गांव
के लोगों के गरीबों के चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, वो पैखाना करते फोटो देखना चाहते हैं। महोदय आप इस तरह से आप उसको टॉर्चर करेंगे, अपमानित करेंगे, और आप इसलिए ना कि हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नौकरशाहों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप गुणवत्ता की बात करते हैं और उनको कहते हैं शिक्षक को गाय गिनना भैंस गिनना, जबकि उच्च न्यायालय ने आपको बैंड कर दिया है कि आप सिर्फ इलेक्शन के काम छोड़ के आप शिक्षकों से दूसरा कोई काम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करा सकते हैं। उसके बावजूद भी कभी लोटा लेके जा रहा है बाथरूम करने उसको घेरवाते हैं, कभी गाय बैल गिनवाते हैं, कभी जनगणना कराते हैं, कभी मनगणना कराते हैं, कभी सुअर गिनवाते हैं, कभी बैल गिनवाते हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो इस सदन में कमिटमेंट, इसके पहले जो सदन चल रहे थे उन्होंने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा, आपके पास महोदय हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, कहेंगे तो दिखला देंगे, और आपके पास प्रोसीडिंग भी है। राज्य सरकार के मंत्री ने कमिटमेंट किया था, हम उसी को चाहते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, और फिर वहां से भी हार ही के आएंगे। वहां से जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, तो ये खाने कमाने का आने जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन आपको एरियर तो देना ही पड़ेगा, भाग के जाएंगे कहां। इसलिए महोदय समय रहते हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कि समान काम के लिए समान वेतन जरूर दिया जाए।